हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ZFSU के बारे में, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से कोर्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ZFSU एडमिशन 2023 एप्लीकेशन शून डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ZFSU एडमिशन 2023 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून फॉर वेरियस कोर्सेज। तो सभी कोर्सेज के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी रिलीज होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, गेट फ्री कॉन्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज ऑन 13 सितंबर 2008, इट इज़ ए स्टेट यूनिवर्सिटी प्लेस्ड इन एट गांधीनगर गुजरात। तो ये जो आपका यूनिवर्सिटी है गांधी गुजरात साइंस यूनिवर्सिटी, ये आपका रिकॉग्नाइज किया गया था 30 सितंबर 2008 में, और ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपका गांधीनगर गुजरात में है। और यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि IRD कोर्स, IBS कोर्स, IFS कोर्स, IMT कोर्स, MSc, MTech, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, MBA, MPhil, MPharma, ये सब कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस आर्टिकल के थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ होने वाला है। एप्लीकेशन डिटेल्स जानने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करके एप्लीकेशन डिटेल्स जान सकते हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है, इंडिकेटर ऑफ वन यूनिवर्सिटी में फुल फॉर्म एडमिशन स्टार्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए तो आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और एडमिशन ले लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाईलाइट के। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, फुल नेम दिया गया है, कोर्स कौन कौन से, PG सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है, एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही है, और आपका लोकेशन जो है स्टेट आपका गुजरात में है और कंट्री आपका इंडिया में है। यहाँ पे कोर्स ऑफर्ड MPhil, PhD, MSc, MEd और यहाँ पे MA, PG डिप्लोमा, MBA प्रोग्राम, ये सब कोर्सेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट। तो इवेंट दिए गए हैं, डेट दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपका जुलाई में रिलीज़ होगा, लास्ट डेट आपका दिसंबर में है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको जनवरी में देना है, काउंसलिंग आपका जनवरी में होगा, और ये डेट कंफर्म नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। अगर डेट कंफर्म हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप ऑफिशियली वेबसाइट पे भी जाकर चेक करते रहिएगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेनी है, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फी पे कर लेना है 1200 रुपीज़। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, MBA के लिए, MBA के लिए आपका डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। PG डिप्लोमा MS के लिए यहाँ पे दिया गया है, PG डिप्लोमा के लिए आपका स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, साइंस है, मैनेजमेंट का है, अकाउंटिंग का है, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और यहाँ पे PhD के लिए MA होना चाहिए या फिर MSc होना चाहिए, उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। MSc के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो आपका बीएससी डिग्री होनी चाहिए उस वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, और इसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस के लिए आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए,
और इसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम फिल पी एच डी कोर्स के लिए भी दिया गया। एम फिल के लिए आपका एम एस सी या फिर एम ए होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे आपको पी एच डी प्रोग्राम के लिए आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट दिया गया है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे जिस भी कोर्स के लिए आप करना चाहते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे नाम दिया गया है, कौन से सर हैं आपके, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो 100 मार्क्स पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन, और टोटल ड्यूरेशन आपका 1 एंड 1/2 रहेगा। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन में आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है प्रीवियस ईयर का, और यहाँ पे अपना सिलेबस देख लेना है ऑफिस की वेबसाइट पे जाके, वहाँ से सिलेबस देख लेना है। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चेक कर लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड फिल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसका प्रिंटआउट निकाल के रख लीजिएगा, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर फिल करके अपना रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सबमिट करके। और अब बात करते हैं यहाँ पे कोर्स दिए गए हैं, ड्यूरेशन उनका दिया गया है, और सीट कितनी मिलेगी वो, और सॉरी सीट कितनी है वो, और कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो यहाँ पे आप एमएससी के लिए देख सकते हैं, 4 सेमेस्टर होगा, यानी कि 2 ईयर्स में 6 6 मंथ में आपको सेमेस्टर देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले ही बताया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, और सीट आपका यहाँ पे 15 है, और 50,000 रुपीज़ आपका लगेगा यहाँ पे फीस। एम टेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है, 4 सेमेस्टर होंगे। बैचलर डिग्री आपका इंजीनियरिंग से होना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी से, उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 15 सीट्स होनी चाहिए, सॉरी 15 सीट हैं टोटल, और 50,000 रुपीज़ प्लस 1,200 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग आपका कैसे होगा, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट के एंट्रेंस टेस्ट होगा, जी एफ एस यू आई एफ एस के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मंथ में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी एलिजिबल हैं, वो अपना फॉर्म फिल करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे, और इसमें अच्छे मार्क्स लाएँ तो और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने हैं, और जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो मेरिट लिस्ट आपका सीट के बेस पे यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पे एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है GFSU IMS IFS का, तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के अच्छे मार्क्स ला के आप अपना एडमिशन करवा लीजिए यहाँ पे। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाकर